हाय गाइस, कैसे आप सब? इंचुलर मातेला, मैं हूँ प्रतीक्षा। वेलकम टू माय चैनल मिस ब्यूटी क्लब। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका लोकेशन के बारे में, यानी कि कर्नाटका में कौन से सारे प्लेसेस है घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें जानना होता है कि अगर हम ये वाली प्लेस में आएंगे तो कौन से प्लेसेस देख सकते हैं। तो आज मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि कर्नाटका में है ना बहुत सारी लोकेशंस है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे अगर आप एक बार जाते हो देन आपको वापस आने का मन ही नहीं करता। सो अगर इंडिया में टूरिस्ट स्पॉट्स का अगर हम लिस्ट निकालते हैं ना देन साउथ इंडिया में कर्नाटका का नाम हमेशा आता ही है। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कर्नाटका को एंड देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्लेसेस है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस जरूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो प्लेस है इज नन अदर देन बैंगलोर और बेंगलुरु। बैंगलोर को बेंगलुरु भी बोलते हैं गाइस। सो दिस इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो एक्चुअली बैंगलोर को काफ़ी सारे निकनेम्स दिया गया है, जैसे कि बैंगलोर को गार्डन सिटी भी बोलते हैं, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। गार्डन सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंगलोर में बहुत सारे ट्रीज है, गार्डन्स है। खैर, ट्रीज एंड गार्डन्स तो छोड़ ही दो, यहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरीज है एंड ग्रीन स्पेसेस है, तो इसीलिए बैंगलोर को द गार्डन सिटी बोलते हैं। बैंगलोर को द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को इंडिया में स्थापना करने में बैंगलोर का बहुत बड़ा योगदान है। एंड ग्लोबल आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, इनके सारे हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस एंड ग्रीनरीज होने के कारण बैंगलोर एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बैंगलोर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, खूब सारे लेक्स है, अम्यूजमेंट पार्क्स है, साइट सीइंग लोकेशंस है, आर्ट गैलरीज है एंड एट द सेम टाइम बहुत फेमस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स भी है। इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, कैफ्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब तो है ही। बैंगलोर में काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है गाइज, जैसे कि बैंगलोर पैलेस, लालबाग, देवनहली फोर्ट, कबन पार्क और भी कई सारे प्लेसेस है। यहाँ का नाइट लाइफ, यहाँ का अमेजिंग वेदर विद टेस्टी फूड, ब्यूटीफुल गार्डन्स, इन सब की वजह से बैंगलोर एक टूरिस्ट सेंटर बन चुका है। गाइस, कुर्ग जो है ये कर्नाटका स्टेट में एक खूबसूरत सी जगह है, प्लस ये एक हिल स्टेशन भी है। कुर्ग को बेसिकली इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप नेचर लवर हो ना देन आप ये प्लेस में ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉफ़ी गार्डन्स एंड टी गार्डन्स भी नज़र आएंगे, प्लस अगर आपको चाय के मसाले चाहिए तो ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं। गाइस, ये जगह इतना खूबसूरत है ना, ये कभी आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ का असीन मौसम आपके मन को शांति देगा। ज़्यादातर न्यू मैरिड कपल्स इस जगह पर घूमने आते हैं। कुर्ग में आपको बहुत सारे टी गार्डन्स एंड कॉफ़ी गार्डन्स नज़र आएंगे। जो कोई भी यहाँ पे घूमने आते हैं वो एक बार टी गार्डन्स एंड कॉफी गार्डन्स जरूर देखता है। यहाँ पे आपको पूरे जगहों पर चाय एंड कॉफी के मसालों की महक आएगी। अगर कभी आप कुर्ग में घूमने आते हैं देन कुर्ग के अंदर काफी सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जैसे कि अबे फॉल्स है, गोल्डन टेम्पल है, एक काफी फेमस पार्क है जिसका नाम है राज्य सीट, तलाकावेरी टेम्पल है, मंडलपट्टी पीक है, दुबारे एलिफेंट कैंप है, बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर हॉलीडे मेमोरेबल एंड अनफॉरगेटेबल देन डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस ब्यूटीफुल ड्रीमी प्लेस विच इज़ नन अदर देन कुर्ग। गाइस, चिकमंगलूर जो है वो कर्नाटका का एक फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ पर कॉफ़ी की उत्पादन अधिक मात्रा में होते हैं जिसके वजह से चिकमंगलूर को कर्नाटक की कॉफ़ी भूमि भी बोलते हैं। भारत की सबसे पहले कॉफ़ी की खेती इसी जगह पर हुई थी। यहाँ पर अगर आप चिकमंगलूर में आते हो ना तो आपको एक ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको कॉफ़ी की महक ना आए। गाइस, चिकमंगलूर एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है एंड ये एक हिल स्टेशन भी है। यह जगह हरे भरे पहाड़, वाटरफॉल्स, ट्रैकिंग पॉइंट्स एंड मंदिरों से भरा हुआ है। चिकमंगलूर में घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं।
इस जगह पर हर साल टूरिस्ट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाइस, अगर आप कभी चिकमंगलूर में सैर करने आते हैं तो आप ये सारी जगह देख सकते हैं जो मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर मुल्लायनगिरी पीक के साथ बाबा बुडनगिरी देख सकते हैं, केमनगुंडी देख सकते हैं, हेब्बे फॉल्स देख सकते हैं, बद्रा डैम, जरी वाटरफॉल्स, ये सारी जगह आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर एन एडवेंचरस पर्सन देन आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैकिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, रोड बाइकिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ है। गाइस, साउथ इंडिया में बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है, जिसमें से एक टूरिस्ट स्पॉट है मैसूर। सो अधिकतर जो टूरिस्ट है वो मैसूर में मैसूर के दशहरा उत्सव के टाइम मैसूर आते हैं। सो मैसूर जो है वो अपने बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बगीचे, अनोखे मंदिर एंड स्टैचूज के लिए फेमस है। सो यहाँ के लोग जो मैसूर को है ना, द सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जानते हैं। गाइस, मैसूर जो है ये अपने पारंपरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, बेहतरीन खुशबूदार अगरबत्तियों के लिए फेमस है, रेशम और चंदन के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैसूर एक खूबसूरत सा शहर है गाइस, यहाँ पर आपको हर जगह पुराना फोर्ट और महल देखने को मिल जाएंगे जो अभी भी जगमगा रहे हैं। गाइस, मैसूर में घूमने के लिए कई सारी अच्छी जगह है। सबसे पहले मैसूर पैलेस है, GRS फैंटेसी पार्क है, सोमनाथपुरा मंदिर है, वृंदावन गार्डन है, मैसूर चिड़ियाघर है, चामुंडेश्वरी मंदिर है, और भी कई सारी अच्छी अच्छी जगह है। गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं हम्पी की। हम्पी जो है ना गाइस, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी कर्नाटक में सबसे खूबसूरत और पुराना शहर है, जो अपने पुराने किलों और मंदिरों के लिए काफी फेमस है। इसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। माना जाता है कि हम्पी जो है ना, वो एक समय में रोम से भी काफी समृद्ध नगर था। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को यह जगह बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हम्पी में कई ऐसी सारी जगह है जहाँ एक्सप्लोर करते करते आप खो जाएंगे। यहाँ पर आप विजय विट्ठल टेम्पल देख सकते हैं, विरूपाक्ष टेम्पल देख सकते हैं, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल देख सकते हैं, हम्पी बाजार, रॉयल क्वींस बाथ, एलिफेंटा स्टेबल्स, लोटस महल, ये सारी जगह आप देख सकते हैं। गाइस, अगर आप कभी कर्नाटका घूमने आ रहे हैं देन इन दोनों स्थानों को अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। एक तो है बेलूर एंड दूसरा है हलेबीडु। दोनों ही स्थान एक दूसरे से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर है एंड ये दोनों स्थान हासन डिस्ट्रिक्ट में आता है। गाइस, तो अभी हम बात कर रहे हैं बेलूर के बारे में। बेलूर अपनी वास्तुकला के लिए खास तौर पर जाना जाता है और यहाँ कई धार्मिक स्थल भी है। हर साल यहाँ काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। बेलूर को बनारस ऑफ साउथ भी बोलते हैं। हलेबीडु जो है ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल है जहाँ जाकर आपका मन खुश हो जाएगा। हलेबीडु के समीप स्थित एक विशाल जल स्त्रोत्र के कारण इसे द्वार समुद्र भी कहते हैं। यहाँ पर आप चेन्नकेश्वर टेम्पल, याक्षी डैम, केदारेश्वर टेम्पल, होयसालेश्वर टेम्पल देख सकते हैं। कर्नाटक स्टेट के शिमोगा और उत्तर कन्नड़ जिलों के करीब एक काफी खूबसूरत और प्यारा सा वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग फॉल्स। ये चार छोटे छोटे वाटरफॉल से मिलकर बना है, राजा, रॉकेट, रोर और रानी। इसे जेरसप्पा भी बोलते हैं गाइस। ये इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसका हाइट अप्रोक्सीमेटली 253-254 मीटर्स है। इतनी ऊंचाई से जब इसका जल गिरता है ना, तब वो दृश्य देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। जोग वाटरफॉल्स कर्नाटका स्टेट में शरावती नदी पर बना हुआ है। ये कर्नाटका स्टेट के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। जोग फॉल्स का पानी इतना स्पीड से गिरता है ना कि आप कई मीटर तक इसकी आवाज सुन सकते हैं। मानसून सीजन में जोग फॉल्स बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है। अगर आपको ये खूबसूरत सा जोग फॉल्स को देखना है देन आपको कर्नाटका स्टेट में विजिट करना होगा। गाइस, कर्नाटक के उत्तर में बसा दांडेली एक खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है जो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ लवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। दिस इज वेरी मच फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
दांडेली एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रुप के साथ तो जमकर मस्ती कर ही सकते हैं, लेकिन अगर अकेले भी आए तो बोर ना होने की गारंटी है, क्योंकि यहाँ करने को इतनी सारी चीजें जो है। एडवेंचरस लोगों को यह जगह बहुत ही पसंद आने वाला है। एडवेंचरस लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, कायकिंग है, कैनोइंग है, माउंटेन बाइकिंग है, ढेर सारी चीजें हैं। अगर आप एडवेंचरस नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज जो है, जैसे कि आप जंगल सफारी का मजा उठा सकते हो, रिवर राफ्टिंग है, नाइट कैंपिंग है, नेचर वॉक है, बोटिंग है, बर्ड वॉचिंग है, जैसी कई सारी चीजें हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर नेचर लवर्स and it is also called a birding paradise and well known for its varieties of bird life. यहाँ पे आपको इतने सारे अलग अलग varieties के birds देखने को मिलेंगे। Photography lovers भी इस जगह का अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, यहाँ के प्यारे प्यारे अद्भुत नज़ारों को अपने कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं। Guys, मैं कर्नाटका स्टेट के बारे में बात करूँ और मैं अपनी जगह यानी मंगलूर के बारे में बात ना करूं, ऐसे हो सकता है क्या? सो कर्नाटका टूरिस्ट प्लेसेस में नेक्स्ट प्लेस है मंगलूर एंड उडुपी। सो गाइस, आप सबको तो पता ही है मंगलूर एंड उडुपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो है बीचेस एंड टेंपल्स। गाइस, अभी हम बात करते हैं उडुपी के बारे में। उडुपी इज अ स्मॉल कोस्टल टाउन इन साउथ वेस्ट कर्नाटका। उडुपी ऑल्सो नोन एज द टेम्पल सिटी इज अ चार्मिंग टाउन इन कर्नाटका। उडुपी में कई आकर्षण स्थल है जहाँ पर आप अपना हॉलीडे मना सकते हैं। उडुपी में अगर आप आए तो शहर से केवल लगभग 5.2 किलोमीटर की दूरी पर मलपे बीच है, ये उडुपी में सबसे फेमस बीच है। इसी बीच से होकर बोटिंग के थ्रू आप सेंट मैरी आइलैंड भी जा सकते हैं, जो अगेन बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। उसके बाद उडुपी का श्री कृष्णा मठ, जो अगेन बहुत ज़्यादा फेमस है, माना जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना है। उसके बाद उडुपी में कापू बीच है, जो अगेन फेमस है। सी वॉक मलपे है, कुदलू फॉल्स है, सेंट लॉरेंस चर्च, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है। उडुपी से लगभग 2 घंटों की दूरी पर एक फेमस टेंपल है जो कि है मुरुडेश्वर टेंपल, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं मैंगलोर के बारे में। गाइस, मैंगलोर कर्नाटक का प्रवेश द्वार है। मैंगलोर शहर खूबसूरत ही खूबसूरत है। एक तो ये हरे भरे पहाड़ों के बीच में है एंड दूसरा यहाँ पर जो समुद्र है, इसका नीला नीला पानी इस शहर को और ज़्यादा चमकाता है। मैंगलोर को मंगला देवी नाम से भी जाना जाता है। गाइस, मैंगलोर में घूमने के लिए बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पे आते हैं देन आप देख सकते हैं कुद्रोली गोकर्णनाथ टेम्पल, कटिल टेम्पल, पनम्बूर बीच आप देख सकते हैं, सुल्तान बत्तेरी है, मंगला देवी टेम्पल है, पिलीकुला है, कदरी मंजुनाथ टेम्पल है, कदरी हिल पार्क है, तन्नीरबावी बीच है, बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। गाइस, गाइस नेक्स्ट है नागरहोले नेशनल पार्क। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया है, ये एक नेशनल पार्क है विच इज लोकेटेड इन कोडगु डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। सो कर्नाटका का नागरहोले नेशनल पार्क जो है, दिस इज द बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन। गाइस, नागर मीन्स सांप एंड होले मीन्स नदी। ये नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो नदी है ना, वो रेंगते हुए सांप जिसे दिखाई पड़ती है। नेचर लवर्स को ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यह नेशनल पार्क बहुत से जानवरों का घर है, जैसे कि चीता, हाथी, तेंदुआ, हिरन, नेवला, जंगली बिल्ली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पक्षियों की कुछ करीब 250 प्रजातियां आप देख सकते हैं। इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये कूर्ग का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है एंड फोटोग्राफी लवर्स के लिए भी ये बेस्ट प्लेस है। आप जब कभी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आएंगे तब आप पार्क के अंदर जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। सो यस गाइस, आपने देखा ना कि कर्नाटका स्टेट कितना ब्यूटीफुल है एंड यहाँ पे घूमने के लिए कितना ज़्यादा प्लेसेस है। तो अगर इन केस अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो ज़रूर आप इन सब प्लेसेस को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई रियली होप आपको मेरा ये जो आज का जो वीडियो है वो पसंद आया हो. एंड अगर आपको लगता है ये जो वीडियो है वो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल रहा है देन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड अगर इन केस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर करें. एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी उतना ही कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर कोई आपके फ्रेंड्स या फैमिली में यहाँ पे आता है तो वो भी ये सारी प्लेस को देख सकते हैं इसीलिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव यू ऑल. टेक केयर एंड बाय बाय.